देखिए, इसी सवाल का दूसरा मेथड जो हमें बहुपद दे रखा है, उस बहुपद को हम अचर पद देखेंगे, अचर पद के गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड पर एक एक करके अचर पद का मान ज्ञात करेंगे। पहले एक पे ज्ञात किया, हमने देखा शून्य नहीं आया, फिर माइनस एक रखा और माइनस एक रख के हमने चेक किया, शून्य आ गया और हमें यहाँ पर पता लगा कि पप्पी माइनस वन एक जीरो है, तो माइनस वन पी एक्स का शून्य है और एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड होगा। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था और इसको हल करने की ये पूरी विधि भी आपको हमने दिखाई। अब इसकी एक और विधि है, जिस विधि में हम यहाँ से ये विधि चेंज होगी, ऊपर का पार्ट सेम रहेगा। यहाँ तक और एक्सप्लेनेशन आपको समझना, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपके पास बहुपद दे रखा है, बहुपद था कितना हमारा, एक्स की घात तीन प्लस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस बत्तीस एक्स प्लस बीस, हमारे पास बहुपद था। इस बहुपद में जब ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया, इसमें हम लिखेंगे एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक, और ये हम तीन बार लिखेंगे इसको। अब सबसे पहले हम प्रयास करेंगे पहला पद बनाने की। यहाँ पहला पद है एक्स की घात तीन और यहाँ एक्स है, तो एक्स की घात तीन लाने के लिए मुझे यहाँ पर एक्स की घात दो से गुणा करना पड़ेगा। जब मैं एक्स की घात दो से गुणा कर रहा हूँ तो एक्स की घात दो गुणा एक एक्स की घात तीन आ गया। अब एक्स की घात दो की एक से गुणा करो, एक्स स्क्वायर आ गया, लाना कितना है तेरह एक्स स्क्वायर, तो मुझे बारह एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बारह एक्स। तो बारह एक्स अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो बारह एक्स की गुणा मैं इससे करूँगा तो बारह एक्स स्क्वायर आ गया, और बारह एक्स की गुणा एक से करूँगा और बारह एक्स स्क्वायर ये और एक एक्स स्क्वायर ये तेरह एक्स स्क्वायर हो गया। बारह एक्स की एक से गुणा करो बारह एक्स, और बारह एक्स अब मुझे कितना चाहिए बत्तीस एक्स, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बीस। जब मैं बीस लिखूंगा बीस ही कम बीस बीस एक्स बीस एक्स और बारह एक्स पहले से बीस और बारह कितना हुआ बत्तीस। आखिरी वाला पद अपने आप आएगा, आप देखिए बीस गुणा एक बीस हो गया। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वन, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस बीस। अब ये एक्स प्लस वन और इसको मध्य पद में विभाजित कर दीजिए प्लस दस एक्स प्लस दो एक्स, ये तो पुरानी मेथड है। यहाँ पर एक्स प्लस एक और इसमें से हम ले लेंगे कॉमन एक्स, तो ये आएगा एक्स प्लस दस, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे दो कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस दस, और यहाँ से एक्स प्लस एक और कॉमन लेंगे एक्स प्लस दस, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस दो। ये आपका सवाल हल करने का मेथड नंबर दो। आप चाहें तो इस मेथड से हल करिए भाग विधि से, और चाहें तो इस मेथड से हल करिए जिसे हम इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। इसमें सवाल यहाँ तक वैसे ही रहेगा, इसके आगे से बदलेगा। इसके आगे से आप चाहो ये वाला मेथड लगाओ और इसके आगे चाहो तो आप ये वाला मेथड लगाइए। धन्यवाद।